हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइसब्लू। मैं हूं टीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे जिंक पिवट पॉइंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट मार्केट ट्रेंड एंड द मार्केट रेंज, और देखेंगे आज जिंक मार्केट क्या होने वाला है उसका ऊपर भी हम बात करें। तो ये देख सकते हैं जिंक 4 आवर चार्ट एंड जिंक पिवट पॉइंट आज 200, फर्स्ट रेजिस्टेंट 201, सेकंड रेजिस्टेंट 204, थर्ड रेजिस्टेंट 206, फर्स्ट सपोर्ट 197, सेकंड सपोर्ट 195 एंड थर्ड सपोर्ट 192। तो अगर हम लॉन्ग टाइम फ्रेम में देखें, डेली में आप देख सकते हैं ये जिंक पिवट पॉइंट है और चार्ट है। तो इसमें आप देख सकते हैं जिंक मार्केट 200 मूविंग एवरेज का ऊपर में ही है, लेकिन पहले जो हायर पॉइंट था उसको तो ब्रेकआउट कर नहीं पाया, फिर से वो नीचे आने का चांसेस दिखाई दे रहा है। तो डेली में और स्टोस्टिक भी थोड़ा बहुत कंफर्म कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टोस्टिक, राइट। तो स्टोस्टिक भी यहाँ पे एक बेरिश सिग्नल दे रहा है हमें। तो यहाँ पे भी देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट यहाँ से ऊपर तक गया हुआ है, ब्रेकआउट कर दिया 200, अप ट्रेंड प्लेस कर दिया, यहाँ से डाउन आया, फिर से ऊपर गया था, लेकिन ये जो हायर था उसको ब्रेकआउट कर नहीं पाया, फिर नीचे का आने का चांसेस कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे तो यहाँ तक तो आने का चांसेस बाउंस बैक होने मतलब करने का चांसेस है यहाँ पे। तो अगर हम 4 आवर में देख सकते हैं, यहाँ पे 4 आवर में, तो 4 आवर में आप देख सकते हैं मार्केट टोटली स्लीपिंग रेंज में है, एक रेंज में ही मार्केट अभी घूम रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से मार्केट ये रेंज में घूम रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रेंज में थोड़ा ऊपर। तो यहाँ से मुझे लगता है थोड़ा ये नीचे आने का, और यही रेंज में मार्केट ऊपर ऐसे ही रहने का चांसेस दिखाई दे रहा है। तो ये एक रेंज मिल गया हमें, राइट, ये एक रेंज मिला हुआ है हमें। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट लाइन मिला हुआ है, तो मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से बाउंस हो रहा है ये रेंज में अराउंड 199 में। तो यहाँ से फिर से मार्केट नीचे आने का, ये 200 मूविंग एवरेज के आसपास, तो ये देख सकते हैं ये लाइन में, तो इधर फिर से ये आने का चांसेस दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो तब तक ये 200 भी ऊपर ऐसे ही जाके एक रेजिस्टेंट बनाएगा 200 और 150। तो इसलिए आपको ट्रेडिंग करना है तो ये रेंज में ही ट्रेडिंग करना है। तो हमें एक रेंज अभी तो मिल गया, कंफर्म हो गया, तो मार्केट में जो हम ट्रेडिंग करेंगे तो ये रेंज में ही करेंगे, ठीक है। तो अभी हम देखिए 5 मिनट में कैसा हो रहा है मार्केट, तो चलो ये 5 मिनट, तो 5 मिनट में हमें जो रेंज मिला था, जैसे ये रेंज मिला था तो यहाँ पे भी कंफर्म कर रहा है तो ये डाउन ट्रेंड में ही है। तो अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम 5 मिनट में क्या दिखाया, चलो हम 15 मिनट में, तो 15 मिनट में आज मार्केट जो ओपन हुआ है वो तो गैप डाउन में हुआ है ओपन, और मार्केट जो है वो 200 मूविंग एवरेज के नीचे में ही है, तो मतलब डाउन ट्रेंड प्लेस हुआ है 15 मिनट में। तो इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेल के लिए ही रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोअर लो बना रहा है, आप देख सकते हैं ये पहले प्रीवियस हाई पॉइंट था, उसको मार्केट ऊपर गया था, उसको ब्रेकआउट नहीं किया, राइट, हायर लो बनाया, बाद में ये मार्केट फिर से एक लो बनाया यहाँ पे, तो फिर से पुल बैक और फिर से लो बनाने का कोशिश कर रहा है मार्केट। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको जितना हो सके तो आपको सेल में ही जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम एंट्री ले लिया, यहाँ पे अगर हम एंट्री ले लिया, ओके, अगर हमें यहाँ पे एंट्री लिया तो हमारा एसएल इधर रहेगा, जैसे ये हमारा हो गया R1 रिस्क, और ये हमें जो रहेगा 2, यहाँ तक 2R, ठीक है, ये रेशियो। तो इसमें आप टूअर टेक प्रॉफिट लगा सकता है, राइट। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।